मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं गोवा और सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी सब लोग आ रहे हैं और ये मेरा नया लुक, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। इस लुक से हम सबको आज सरप्राइज भी करेंगे, किसी ने देखा नहीं है। कल रात को मैंने क्लीन शेव किया है, तो चले फिर चलते हैं। तो दोस्तों आज होली है और होली के दिन हमें घर में नहीं रहना था, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटी सी ट्रिप प्लान की जाए और सब लोग राज़ी भी हो गए। तो जा रहे गोवा। वैसे तो कल रात का प्लान था लेकिन किस कारण कैंसिल हो गया अभी है, तो निकल रहे गोवा। अभी जाएंगे, सबको पिक करेंगे, रोहित के घर जाएंगे। देखो फोन आ गया मंगेश भाई का। हेलो, तो पार्टी में चाहे हेचाकड़े जा, पार्टी में ये लॉकर थाम लो भाई। तो मंगेश भाई भी आ रहे हैं, अभी गाड़ी थोड़ा साइड में ले लेते हैं हम। मास्क पहन लेते हैं हमारा, क्योंकि सबको सरप्राइज करना है इस लुक से। और अभी जाएंगे रोहित भाई के घर, उनको भी पिक करेंगे। वहाँ रजत और स्नेहल भी मिलेंगे हमें, सब मिलके जाएंगे गोवा। हर बार जाते गोवा, इसमें कौन से नई बातें आप लोग कहेंगे, लेकिन हाँ हर बार गोवा जाते हैं। श्योर अगला वीडियो मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को कोई अलग लोकेशन का होगा ज़रूर। पिछले वाला वीडियो भी गोवा का ही है और अभी भी हम गोवा ही जा रहे हैं। प्लान में कोई चेंज नहीं है, इस बार गोवा जाएंगे। अगली बार ज़रूर कहाँ तो मतलब अलग लोकेशन पे जाएंगे, नया कुछ ट्राई करेंगे। इस बार गोवा फिक्स। दोस्तों आ गए मंगेश भाई भी। चलो गाइस अभी चलते हैं गोवा। गोवा सब लोगों के मुँह में ये की है कि गोवा जाएंगे गोवा जाएंगे। होली का दिन है भाई लोग, तो गोवा ज़रूर जाना चाहिए आप लोगों को भी। चलिए चलते अगले पिकअप के लिए रोहित भाई के घर। और ये देखो हमारे रजत भाई, भैया हमारा गोवा का यूनिफॉर्म है दोस्तों। अरे आपको बताना भूल गया था, तो कैसे सीखने दिख रहे हैं कमेंट कीजिए कैसे दिख रहे हैं। और ये वीआईपी के बैग पहन के हमारे वीआईपी मेंबर और ये हमारे मनु भाई मुंद्रा शेयर मार्केट के मनु भाई मुंद्रा, तो पता चलेगा आपको क्योंकि उनको मनु भाई मुंद्रा क्यों बोला है मैंने। और मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ, मैं चिकना दिख रहा हूँ आज, देखिए दोस्तों चिकना रिएक्शन तो देखिए इनका एकदम क्लासिक। अबे उद्या परवा करायची का मला घरी सोड, बाय मी चला जातो, बाय बाय लौट का बे, ए शिट बे आम बे जाओ अरे गोइंग नो शिट बे चोमो। दोस्तों आप लोग भी कमेंट करिए, बताइए कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो चोमू दिख रहा हो, हैंडसम लग रहा हो, चिकना दिख रहा हो? वो हाँ चिकना, वो ए चिकने। देखो आ गया है, अभी भी निकलना चाहिए जल्दी से, गर्मी बहुत बढ़ेगी।
इससे पहले निकलते हैं और हमारी वीआईपी में दोस्तों मिलते हैं आपको आगे। तो दोस्तों फाइनली सब लोग आ गए, हम निकल रहे हैं गोवा 7:20। चले फिर चलते हैं गोवा। रोहित 7:30 पे 20 मिनट पे टाइम भी रहा है तो सर ठीक चलो 7:30 और रोहित भाई आ गए, सब लोग आ गए मस्त रजत राम साहब। चलो फिर चलते हैं गोवा 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 शूज बीज पहन के एकदम चिकने दिख रहे हैं हमारे मंगेश भाई। और हम अभी यहाँ रुके ब्रेकफास्ट करने के लिए, रोहित भाई अभी भी नींद में देखो कैसे कर रहे हैं। सुख शांति काय में होटल सुख शांति होटल सुख शांति में आए, ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय भी पियेंगे, फ्रेश होंगे और निकलेंगे आगे। भरतनाट्यम बोल के गाना कालच ट्रिमर बंद पडली मारलो ट्रिमर काय ट्रिमर मारला मी वस्तार मारला। दोस्तों आ गया हमारा इडली वडा और हम खा रहे हैं अभी इडली वडा सांभार चटनी। और ये देखो रजत भाई हमारे एक नंबर टेस्ट है लोग दोस्तों यहाँ का। तो आइए खाइए मज़े कीजिए, गोवा जाइए, बाकी का आपको मालूम है गोवा जाके क्या करना है। मास्क वाला मास्क हाँ मेरा मास्क मैं हंसू नको तो डोले दिसी ना तुझे। छान छान चाय यहाँ की बहुत ही सुंदर है दोस्तों। तो हमारे वीआईपी मेंबर आज उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। चुस्की ले लो चाय की एक। तो कैसी चाय है? वाह ताज वाह सुख शांति वाह सुख शांति। मंगा चाय का चाय सांग। टेक्निकल ज्ञान तो बिंगो चांगलं होता। बिंगो नाही बिंगो बिंगो चांगलं होता इकडे आहे बस आता बस मला उड्या स्टेरिंग कुठे आहे स्टेरिंग कम 14 दिन तक संक्रमित काय संक्रमण जाएंगे अभी गोवा फाइनली नाश्ता बेचा सब होगा हमें नॉन स्टॉप गोवा गाड़ी करण अभियान के 71 दिन के और रेडियो लगा रहे हमारे मंगेश भाई डीजे वाले भैया कसा काय झाले वाटला डीजे वाले बाबू जरा गाना चला दो गाना चला दो गाना और हम यहाँ खा रहे कुल्फी और वैनिला आइसक्रीम खा रहे थोड़ा कन्नड़ एक्सेंट होना तो जे पेट्रोल तो हाँ पेट्रोल होना तो डालने भैया कानापुर डालेंगे यहाँ डालेंगे पेट्रोल नहीं नहीं और इसलिए मैं आपको कह रहा था सुबह से कि हमारे साथ है आज मनु भाई मुंद्रा। स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा था मैं, उनके गाली गलौजों की बात कर रहा था। देखिए अबे जांबडे तो मारा लवकर तो बसतो उडा लसन ते गोल फिरून घे ये देखो छोटे भाई इतना रस्ता भारी है कुठला नहीं बे गांड नहीं 2 तास लागतात इकडे खाली येऊन गोल फिरायला इकडे जवळच स्थित मस्त गाण फाट आणि आता रोड भारी केलेत नवीन अबे फिरत होतो बाप्पा तो चढून एवढा
तुम्हारी बकचोदी मैं YouTube पे डाल के पैसा कमाऊंगा। हां एंग्री प्राश काय बे ये बलिदान मसल है। दोस्तों फाइनली पहुंच गए गोवा, गोवा बॉर्डर पे है अभी। और उराक की क्या उराक की स्मेल आई हमें, उराक की फैक्ट्री थी बाजू में, सगले कस्टमर फ्रेश होने दिए, सब लोग उराक फ्रेश हो गए सुन के। और जागोडे से आया हम अभी चोला घाट से, चोला घाट बहुत ही सुंदर रोड बनाया। थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक एंड गोवा, बहुत बहुत तो मक्खन जैसा रोड है एकदम, मजा आया बहुत। और रोहित को पता भी नहीं चला हम कब पहुंचे गोवा, देखो कैसे पैर ऊपर लेके नुनू छुपा के चल रहा है। अभी टोल गेट आ रहा है आगे, यहाँ टोल तो नहीं लगता है लेकिन टोल गेट है आगे, तो चेकिंग होगी वहाँ पे। तो मास्क भी पहन लिया हम सब लोगों ने, और मास्क पहन के घूमना है अभी गोवा में। और आ गए अभी आगे हम चेकिंग है, दिस इज द टोल गेट। टोल पार्क कर चुके हैं दोस्तों, गोवा में एंटर हो चुका है। अभी ढूंढना है हमें हमारा एनर्जी ड्रिंक, जल्दी से ढूंढेंगे। और हमारी वीआईपी वाली मैडम तो यहाँ पे पागल हो रही है, स्मेल लेके पागल हो रही है। अभी भाई लोग बज रहे हैं 9:24 और वी आर इन गोवा, फर्स्ट टाइम इतने जल्दी गोवा पहुँचे हम सुबह छूट के। केरी केरी आलो केरी एक नंबर का समझ लीजिए क्या है, गोल गोल घुमा रहा है हमें 15 चुतियाँ। और ऑलरेडी बुकिंग कर चुके हैं कल रात को ही, तो ये ढूंढना अभी आलम मेन रोड ला, देखो मेन रोड से कहाँ सा था एलेक्सियो, हाँ पुड़े 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 इतना राइट के इतना लगा दी। हेलो हाँ ये पिज्जा हट के आगे रुके भैया। हेलो क्या बोले, सी फिफ्टीन सी फिफ्टीन फिफ्टीन सी होटल, पेमेंट हो गया ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं चला, एक मिनट रुके एक बात करो उसमें। हेलो ऑनलाइन हुआ नहीं है, बुकिंग का हमसे की है, बुकिंग कंफर्म है, नहीं 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 क्या क्या पांच लोग हैं फ्रॉड ना। दोस्तों हमें लग रहा है कि फ्रॉड है, फोन पे कुछ अलग ही बातें चल रही है। ठीक है तो हमें पिक करने के लिए एक लड़का आने वाला है अभी, जैसे कि हम एयरपोर्ट आए जैसा फीलिंग लग रहा है अभी। अजी थोड़ा बहुत फ्रॉड लग रहा है दोस्तों, फ्रॉड तो ऐसे फ्रॉड्स होते हैं यहाँ, ध्यान रखना। हमें अभी पेमेंट नहीं किया है तो सेफ है कैंसल तो क्या होगा ना, तो करोन को तो कर रहे अभी बुकिंग कैंसल, अगर पेमेंट नहीं तो ऐसा booking.com से पे हमने रूम बुक किया है, तुला केले होते सांगाला की booking.com ऐसे ट्रस्टेड साइट है। देखेंगे अभी क्या होता है।
तो दोस्तों फाइनली हमें रूम मिल गए हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि ये फ्रॉड नहीं था। और ये रोहित भाई देखो गोवा पहुँचते ही बियर पीना शुरू कर दिया है, ये बहुत गंदी बात है। और पहुँच गए तो चेक इन करेंगे अभी और जाएंगे अंदर, रूम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। देखिए रूम कैसे, चलो फिर देखते हैं रूम। दोस्तों रूम हमें फाइनली मिल चुका था लेकिन नहीं मिला, समझ लो अभी क्यों। सीन ऐसा हुआ है कि वो बोल रहे कि हम जो हमने रोग अलग अलग रूम दो बुक किए थे, वो बोल रहे कि अभी एक ही रूम पे आपको कंबाइन करना पड़ेगा। तो बुकिंग करते वक्त हमने दो रूम बुक किए थे लेकिन अब यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि एक ही रूम में दो बेड अलग अलग बेड दे रहे हो, तो ये स्कैम ही है छोटा सा। पैसे हमने नहीं भरे इसलिए हम बच गए, अभी दूसरा देखेंगे रूम। तो दोस्तों पेमेंट ऑनलाइन नहीं किया इसीलिए हमारा बुकिंग कैंसिल हो चुका है। अभी वो बोल रहा था कि पेमेंट आप ऑनलाइन कर दीजिए तो आपको दो रूम मिल जाते हैं, अभी बोल रहा है कि क्या अभी पेमेंट कर रहे हो इसलिए दो रूम नहीं बोलते। तो अभी हमने दूसरा वो ढूंढ लिया और वहाँ पे जा रहे हैं, बुकिंग डॉट कॉम पे ढूंढा है और थोड़ा फिल्टर करने के बाद हमें हमारे बजट में रूम मिल चुका है। अभी वहाँ पे जाएंगे देखेंगे कैसे क्या हाल चाल है वहाँ के। पुलिस है सामने तो मास्क पहन लेता, सीट बेल्ट लगा रहे हैं। और दोस्तों आपको अगर सोना बिना मतलब जिम में आप जाते हो सोना स्टीम बात कुछ भी लेते हो, आपका अगर मिस भी हो गया है तो सैटरडे यहाँ आया करो दोस्तों, स्टीम बात ही हो रहा है यहाँ पे पूरा सोना बात, सोना स्टीम मस्त वर्कआउट करने का सुबह जिम बीच पे और यहाँ पे सोना लेने का मस्त। बेडरूम में भी वर्कआउट कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। अब रजत भाई कुछ बात करना चाहते हैं। ओके तो रजत भाई इज थोड़ा शाय ऑन कैमरा। अबे उसको मैप बोल अभी किधर जाना है, स्ट्रेट मारो जी इधर, यहाँ से चुपचाप बोलने वाला कौन तुम, वहाँ पे करते बैठे हम जाते हैं उधर अभी फिर से दूसरे रूम के पास भी आ गए दोस्तों। अभी कॉल करो यहाँ पे आगे आगे और आगे आगे चलो चिचा और आगे चलो और आगे 150 मीटर चलो 150 मीटर आगे जाना है अभी फिर से। हाँ वी आर अराइव। तो दोस्तों फाइनली हमें रूम मिल चुका है अभी गोवा में और ये सब लोग चिल करके आ रहे हैं अभी रूम में बैठ के ठंडे ठंडे हो गए और ठंडा हमारे रूम का एसी हिमाचल भाई हिमाचल 16 पे है। और ये हमारे रोहित भाई से ये हमारा छोटा सा रूम है और अभी जा रहे हम खरीदने के लिए, आपको मालूम है क्या, तो जाएंगे खरीदेंगे और मजे करेंगे गोवा जो आया दोस्तों। चलिए फिर तो प्लान है देखते तो नहीं पीछे क्या चल रहा है दोस्तों, देखिए टन 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 इधर सुरल पे तो नहीं, सुरल पे शायद नहीं बेच रहे, इधर ही मिलेगा केरी पास मिला तो उधर जाते वक्त देखा दोस्तों। सीन क्या है मैं आप लोगों को बता, मैं कलंगुट पास रोहित भाई ने डाल दी है स्टोरी और लोग उनको मैसेज कर रहे कि बेलगाम आते हो लाओ स्टॉक, लाया तो एक ही बोतल ला सकता हूं। देखो देखो पीछे क्या चल रहा है, अबे वाइन कौन लेता है, वाइन इधर भी उधर भी सेम ही रेट है, कितना है 450 550। छोड़ दो दोस्तों वो चलता रहेगा। अभी हमने चिकन बिरयानी ले ली है 3 और हम खा पी जाए चिकन ही खाते हैं। देखता हूं देखता हूं भाई का फेवरेट इलेक्शन का टाइम है ना, चिकन बिरयानी 3 ले चुके हैं और अभी लॉलीपॉप लेने रजत भाई गए हमारे टन 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 और क्या भाई चिली
और चिकन चिली भी ली है, तो रूम पे जाएंगे, खाएंगे, मजे करेंगे। ऐसे मजे तो नहीं कर रहे हमें अब तक फिलहाल, थोड़ा सब कुछ गीला हो चुका है, पसीना पसीना सब कुछ। तो हमारे रजत भाई अभी चिकन लॉलीपॉप का ऑर्डर दे के आए और वेटिंग है 10 मिनट का, 10 मिनट वेट कर रहे हैं वे गाड़ी में बैठ के एसी की हवा खा रहे हैं। और ये देखो हमारे रजत भाई, ये देखो हमारे चमन, ये देखो चमन 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 चमन। तो दोस्तों मेरा लुक आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए, जरूर आप लोग कमेंट में चमन बोलिए चमन। तो अगली बार ये लुक रखना है कि नहीं थोड़ा डिसाइड करेंगे हम। तो दोस्तों आ गया हमारा ऑर्डर, अभी निकल रहे हैं रूम के पास। तो दोस्तों ट्रिप का एंड हो चुका है और अब जा रहे हैं अभी बेलगाम वापस, और ट्रिप में कुछ हुआ ही नहीं है आप लोगों को दिखाने के लिए, दिखाने लायक नहीं कुछ हुआ आपके लिए, तो इसलिए कुछ रिकॉर्डिंग नहीं किया। और हाँ घूमने नहीं गए, रूम पे ही पड़े थे और कुछ भी नहीं किया, एक्साइटिंग कुछ भी ना ट्रिप में। गोवा आके हम भी बोर हो चुके हैं, अभी नेक्स्ट टाइम कुछ देखो ये पागल देखो कैसे चिल्ला रहा है। तो भी जा रहे हो वापस बेलगाम, मिलते हैं आपको बेलगाम में, चलिए बाय बाय। तो दोस्तों बेलगाम निकल ही रहे थे और हमें दिख गया कुछ नेचुरल जूस की फैक्ट्री मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है उराक, यहाँ उराक बनाते हैं, उराक आपको मालूम ही होगा, तो वो देखने जा रहे हैं हम कैसे क्या होता है, चांस मिला तो आपको भी दिखाएंगे। चलो फिर चलते हैं। ये मूर्ति हाँ ये ओके त्याच्यातून ज्यूस बनतो, त्याच्यामध्ये ते टाकायचं बॅरल मध्ये ओके, नंतर त्याच्यात टाकायचं त्या टाकीत खालच्या हंड्यामध्ये टाकायचं ओके, आग घालून म्हणजे कळत होला फिल्टर करायचं ओके, त्याच्यापासून ओरिजिनल ज्यूस होतो। ते आम्ही पाटणतोला घेतो ना त्याच्यामुळे डायजेशन मस्त पाच वाला तुला संडास झाला नाही, म्हणजे गांडीपासून मी होतो ट्यूबवर संडास होतो। खायला मस्त पाहिजे, चिकन चिकन खायला पाहिजे, चिकन भी खायला पाहिजे। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि जो फ्रूट और जो कैशू है अलग होता है पहले, तो बाद में जाता है इस ग्राइंडर में, ग्राइंड होके इस जाता है इस जूसर में, ये वाला जूसर है हाँ, तो उसके बाद में ही जाता है इस ड्रम्स में। ये देख सकते हैं यहाँ पे इस ड्रम्स पे जमा होता है पूरा, ये जो जूस है अभी ये जूस जाएगा इसमें और यहाँ पे बॉईल होगा, बॉईल होने के बाद जो डिस्टिल होकर निकलता है, जो पीछे आपको टैंक दिख रहा है वो टैंक में आपको पूरा उराक मिलेगा। और उराक और काजू में ये फ़र्क होता है कि काजू डबल फिल्टर होता है और उराक जो होता है वो सिंगल फिल्टर होता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ उराक, घर में कभी ट्राई कीजिए आप ही। जो जूस आपने उस बैरल्स में देखा वो यहाँ पे बॉईल हो रहा है और बॉईल होके डिस्टिल्ड हो रहा है, डिस्टिलेशन प्रोसेस हो रही है पूरी यहाँ पे, और वो डिस्टिल जूस यहाँ से ठंडा होके निकलता है यहाँ पे, देखिए निकलता है यहाँ पे पूरा। तो दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो उराक की फैक्ट्री, ये पूरी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और घर में अगर मत ट्राई करो इसको पहले तो ये बात, और दूसरी ये 3 महीने ही चलती है फैक्ट्री, उसके बाद में उनका बिजनेस बंद होता है और यही बिकती है बाहर कहीं पे भी। तो यही था इस वीडियो में अभी तक, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक एंजॉय कीजिए समर, बाय बाय।